नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहलता शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर सौ खबर। गाजियाबाद में चोरी के चक में तीन युवकों ने युवक को जमकर पीटा, युवक के बाल काटे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीला मोड़ क्षेत्र के गरिमा गार्डन का मामला। अमरोहा में ग्राम प्रधान का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सार्वजनिक शौचालय के नाम पर की जा रही वसूली। पीड़ितों ने पुलिस पर से लगाई कार्रवाई की गुहार। जनपद के नौगामा सादात थाना इलाके के अलीपुर का मामला। रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय में चहलकदमी करते दिखा तेंदुआ। अस्पताल प्रबंधन ने वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम आज से अस्पताल में करेगी गश्त। लखनऊ के आर्मी कैंट में आग से हड़कंप। थर्ड बटालियन आरपीएफ तेजी खेड़ा के अंतर्गत लगी भीषण आग। बहराइच में अज्ञात कारणों से जल निगम के वेयर हाउस में लगी आग। वेयर हाउस में रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महोबा में कार की टक्कर से पलट गई ई रिक्शा। ई रिक्शा में सवार एक ही परिवार के 8 लोग घायल। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। कन्नौज में तेज रफ्तार बस अज्ञात वाहन से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 घायल। ओवरटेक करते वक्त हुआ हादसा। दिल्ली से बनारस जा रही थी बस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। खटीमा के सितारगंज में 12 से ज्यादा कच्चे घरों में आग लग गई। 6 साल के बच्चे की आग में झुलस कर मौत। 3 जानवर भी झुलसे। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया। संभल में हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में लगी आग। आग की चपेट में आने से 5 मजदूर झुलसे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना हयात नगर के सराय 3 इलाके का मामला। सीतापुर में आवारा गोवंश के हमले में किसान की मौत। केसरीगंज भदपर मार्ग पर शव रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लहरपुर कोतवाली इलाके का मामला। कन्नौज में डंपर से टकराई बेकाबू बस। हादसे में कई लोगों की मौत। 8 से ज्यादा यात्री घायल। 50 यात्री सवार। बागपत में नरेंद्र हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही पर परिजनों ने डीएम आवास पर जमकर हंगामा किया और नरेंद्र शर्मा के बेटे ने आत्मदाह की कोशिश की। जालौन में एसओजी और डकोर पुलिस को बड़ी सफलता। अपहरण और हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपियों से मुठभेड़। मुठभेड़ में आरोपी अमन खान घायल। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में शादी का झांसा देकर दुराचार करने का मामला सामने आया। लड़की के परिजनों ने आरोपी पर FIR दर्ज कराई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम भी लगाया। बलिया में भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह पर हमला। शो के दौरान किसी ने पत्थर फेंका। कार्यक्रम में भगदड़ मची। पुलिस ने मामला संभाला। थाना क्षेत्र के निकासी गांव का मामला। उधम सिंह नगर पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में पुलिस ने 5 मोबाइल लुटेरों को किया गिरफ्तार। NH2 में लूट की वारदात को अंजाम देकर हो जाते थे फरार। उनके पास 6 देसी बम, अवैध असलाह, 14 मोबाइल बरामद। शामली में त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ अभियान। आबकारी विभाग ने कैराना क्षेत्र के गांव पावली कला में छापा मारा। 100 लीटर कच्ची शराब बरामद की। 1000 लीटर लहन को नष्ट किया। बागपत के पावला बेगमबाद गांव में रिटायर्ड टीचर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 2 ईंटों को बरामद किया। उधार के रुपए मांगने पर हत्या कर दी थी। नोएडा के सेक्टर 135 सोलर एनर्जी कंपनी में चोरी। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। CCTV के DVR को भी ले गए चोर। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में गोली लगी। 2 तस्कर मौका देकर फरार हो गए। बछरावा थाना इलाके के अघोरा घाट के पास मुठभेड़ हुई। सहारनपुर में सड़क हादसे का शिकार हुआ ढाबा संचालक। परिचालकों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम लगाया। प्रशासन ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दिल्ली हाईवे पर गांव नंदपुर का मामला। आगरा में रेलवे स्टेशन के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मृतक की गर्दन पर चोट के निशान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस। बछरावा थाना क्षेत्र के अघोरा घाट का मामला।
बागपत में सुनीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पैसे के लेन देन को लेकर युवक ने महिला को खेत में बुलाकर की थी हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार किया। वाराणसी में जीआरपी ने कैंट स्टेशन से दो लोगों को पकड़ा। 1 करोड़ नकली नगदी के साथ दोनों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटे आयकर विभाग की टीम। और यह लापता युवक का नदी के किनारे शव मिला। 26 तारीख को युवक का हुआ था अपहरण। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में पिता ने बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। बेटे की मौके पर मौत। बेटे की मौत के बाद फरार हुआ हत्यारोपी पिता। कानपुर देहात के ज्योतिष सरैया गांव का मामला। ईटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला। डीएम की जांच में खुलासा हुआ। 7600 आवासों में 1900 लाभार्थी अपात्र मिले। अपात्र लाभार्थियों से ली गई थी रिश्वत। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और बीडीओ पर मिली भगत का आरोप। औरैया में होली के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन सख्त। एसपी चारू निगम ने सभी थानों को दिए निर्देश। शराबियों पर पुलिस की पैनी नजर। ब्रथ एनालाइजर से वाहन चालकों की चेकिंग हुई। फतेहपुर में होली के त्यौहार को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। टीम ने शराब की दुकान पर छापा मारा। आबकारी विभाग की छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा। फिरोजाबाद में होली को लेकर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 250 किलो मिलावटी मावा नष्ट किया गया। बस्ती जिला अस्पताल का हाल बेहाल। एक्सपायरी दवाओं के भरोसे मरीजों का हो रहा इलाज। सीएमओ ने जांच के निर्देश दिए। प्रयागराज एनकाउंटर पर रामगोपाल यादव ने उठाए सवाल। कहा, असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं, दबाव में हो रहा है एनकाउंटर। अतीक के एक बेटे का भी हो सकता है एनकाउंटर। अतीक को फंडिंग करने वाले व्यापारियों पर होगी कार्रवाई। पीडीए और पुलिस ने तैयार की है करीबी व्यापारियों की सूची। शहर के कई बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, कॉन्ट्रैक्टर इस लिस्ट में शामिल। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने दोनों नाबालिग बेटों को लेकर सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी। कहा, दोनों बेटे एजम और आवान के बाल संरक्षण गृह में होने का पुलिस दावा कर रही है, वो झूठा है। 10 मार्च को पुलिस और बाल संरक्षण गृह को देना है जवाब। मिशन 2024 के लिए भाजपा का मिशन अल्पसंख्यक एक देश एक डीएनए कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यकों में पैठ बढ़ाएगी भाजपा। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले स्नेह मिलन की तैयारी। कोलकाता में होगी सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 17 से 19 मार्च के बीच होगी बैठक। 20 प्रदेशों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द से जल्द उन्हें दूर करने के निर्देश। बच्चों को ट्रॉफी देते भी दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बादाम में माफियाओं के करीबी पर शुरू हुई प्रशासन की कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी इफ्तकार के घर बुलडोजर लेकर पहुंची टीम। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार इफ्तकार के घर चला रहे हैं बुलडोजर। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, मेडिकल कॉलेज भूत बंगला बन चुका है। सरकार को चाहिए कि इसमें और बजट देकर इसे बेहतर बनाए। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी से मुलाकात की। गोकशी के मामले में गिरफ्तार युवक को गलत तरीके से पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद से मामले में न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ के चौक इलाके में निकली होली यात्रा। यात्रा में ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा शामिल। मुस्लिम समुदाय के कई क्षेत्रीय नेता भी शामिल। रानीखेत में विधायक प्रमोद नैनवाल ने बाजार में होली मिलन कार्यक्रम किया। सभी दुकानदार क्षेत्रवासियों को होली की बधाई दी। कानपुर का हटिया बाजार रंगों से हुआ गुलजार। इस बार बाजार में कान्हा की पिचकारी की धूम। लड्डू गोपाल की मटकी के साथ साथ जानवरों के मास्क भी बच्चों को बहुत भारत। काशी के लोगों में होली का उत्साह। गंगा घाट पर लोग गायकों की टोली अपनी गायकी से बांध रही है समा। आगरा में होली के त्यौहार पर ताजमहल के साथ अन्य स्मारकों पर भी नहीं लगेगा टिकट। होली पर सभी पर्यटकों के लिए निःशुल्क रहेगी एंट्री। भारतीय और विदेशी पर्यटकों को नहीं लेना पड़ेगा टिकट। पौड़ी में होली के त्यौहार पर महिलाओं का होली मिलन कार्यक्रम। होली के गीत रंगारंग कार्यक्रम के साथ मना रही है होली। महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की एकता। व्यापारियों ने जोशीमठ में जोरदार तरीके से होली मनाई। व्यापारियों ने नाच गाकर और एक दूसरे पर रंग लगाकर जोरदार तरीके से होली मनाई।
नोएडा में होली से पहले पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाने का दौरा किया। फेज 3 के थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दिया, जगह जगह पुलिस तैनात रहे। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे वृद्धाश्रम, वहां रहने वाले वृद्धजनों के साथ खेली फूलों की होली। फूलों की होली खेलते हुए उनका वीडियो वायरल। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की खड़ी होली की धूम रही। गणनाथ मंदिर में एक इस इलाके के 12 गांव की होली इसी मंदिर में एक साथ खेली जाती है। उत्तरकाशी में होली के रंगों की धूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ खेली गई भस्म की होली। गंगोत्री से भाजपा विधायक सुरेश चौहान भी रहे मौजूद। बहराइच में मनाई जा रही रंग भरी होली। बाजारों में रंग बिरंगे बिक रहे गुलाल, नए तरीके की बिक रही पिचकारी। होली के त्यौहार को लेकर प्रशासन सतर्क। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों ने आपदा के दर्द भरे गीतों के साथ मनाई होली। भावुक नजर आई महिलाएं। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। अल्मोड़ा में होली के त्यौहार को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर। लगातार पेट्रोलिंग कर रही पुलिस। लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील। रुद्रप्रयाग में 3 गांव में नहीं मनाया जाता होली का त्यौहार। होली मनाने पर गांव के देवता, भूमि देवता, इष्ट देवता करते हैं दोषी। कई वर्षों से होली मनाने पर गांव में पैदा होती है बीमारी। देवताओं के दोष के चलते होली मनाने से आज भी डरते हैं ग्रामीण। प्रयागराज में दिव्यांग बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन। बच्चों ने एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। होली के गानों पर डांस भी किया। उत्तराखंड में एमबीबीएस और एमडी के स्टूडेंट अगर बॉन्ड तोड़े तो करोड़ों का जुर्माना लगेगा। एमबीबीएस के लिए 1 करोड़ तो एमडी के लिए 2.5 करोड़ तक की फाइन। बॉन्ड के तहत 5 साल तक पहाड़ों में सेवा देना जरूरी। रुड़की की दरगाह पिरान कलियर पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। यहां पर उन्होंने दरगाह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। 9 मार्च से शुरू होगा सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरी का मेला। टनकपुर के उप जिलाधिकारी ने मेले को लेकर बैठक की। पूर्णागिरी मेला समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। हल्द्वानी में जन औषधि दिवस के मौके पर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। अजय भट्ट ने इस दौरान जन औषधि केंद्र का निरीक्षण भी किया। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। 14 मार्च तक चलेगा महोत्सव। 25 से अधिक देशों के 75 योगाचार्य ले रहे हैं हिस्सा। महाराजगंज में जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में जन औषधि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। औरैया में बसों में सुविधाओं को परखने के लिए विधायक गुड़िया कटेरिया अपनी गाड़ी से उतरी। परिवहन विभाग की तरफ से सरकारी बसों में इंतजाम की हकीकत जानी। और इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।